आज हमारे पास है द 2022 मारुति सुजुकी बलिनो एंड इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इस कार का एक टेस्ट ड्राइव रिव्यू टॉकिंग अबाउट ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, यानी कि ये गाड़ी चलने में कैसी है, स्पेस वाइज कैसी है, कंफर्ट कैसा है इस गाड़ी में चलते हुए, फीचर्स जो इस कार में दे रखे हैं वो आपको यूजफुल होते हैं चलाते हुए या नहीं। वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट इस रिव्यू को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू स्पेशली थैंक ट्राई सिटी ऑटोज विच इज अ नेक्सा डीलरशिप यहाँ जीरकपुर के अंदर। अगर आपको नई मारुति सुजुकी बलिनो या फिर किसी भी और मारुति सुजुकी की नेक्सा कार के अंदर इंटरेस्ट हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा फॉर दिस शोरूम एंड दे विल हेल्प यू आउट विद एनी क्वेरीज दैट यू हैव। सो शुरू करते हैं अपनी टेस्ट ड्राइव रिव्यू को। अभी हम नॉर्मल सिटी रोड पर हैं एंड सबसे पहली बात जो मैं करना चाहता हूँ वो है विजिबिलिटी की, जो कि मुझे इस कार में काफ़ी अच्छी लगी। रीजन बीइंग इस कार के जो ए पिलर्स हैं कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, आपको उनके आसपास बहुत आराम से दिख जाता है। ORVMs, IRVM इस कार का बहुत डिसेंट साइज के हैं, उसके आसपास देखना इट इज़ क्वाइट ईजी। विजिबिलिटी वाइज आई डोंट थिंक कोई भी इशू आने वाली है, वही पुरानी बलिनो जैसा नॉर्मल है। तो अगर आपको वो कार चलाने में आसान लगी तो वही सेम चीज़ नई बलिनो के साथ भी है। एंड अगर हम ओवरऑल फॉर्म फैक्टर की बात करें तो है तो ये कार एक हैचबैक ही, तो हैचबैक को मनूवर करना वैसे ही भी थोड़ा ईजी रहता है। एंड नाउ अगर मैं एक यूजुअल ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वी आर ऑन अ नॉर्मल सिटी रोड एंड इसके अंदर ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। द स्टीयरिंग व्हील इज़ वेरी सॉफ्ट टू हैंडल, ब्रांड न्यू कार होने की वजह से अभी तो क्लच वगैरह भी बहुत इजी है, गियर इजीली डल जाते हैं एंड आई थिंक हमें मारुति की कार्स के ऊपर वैसे भी एक सेंस ऑफ ट्रस्ट है, दे आर वेरी रिलायबल कार्स। तो मेरे हिसाब से आपको ओवर लॉन्ग रन भी कोई इशू नहीं आने वाला, बट ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाइज भी कुछ फीचर्स जो इस कार में दे रखे हैं, जैसे कि हमें जो हेड्सअप डिस्प्ले मिलती है, मुझे ये डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये एक फीचर एक नेसेसिटी है, बट स्पेशली अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ, यहाँ पे स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा, आजकल इनफैक्ट इंडिया के अंदर हर जगह ही स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो जब आप नॉर्मल सिटी ड्राइव कर रहे होते हैं आपको स्पीड लिमिट का बहुत ध्यान रखना होता है एंड बार बार नीचे देखना कि आप 60 की स्पीड से जा रहे हैं या नहीं, वो बार बार देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि व्हेन यू हैव अ हेड्स अप डिस्प्ले आपके बिल्कुल प्लेन आई ऑफ साइट, जब आप नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में आपको वो स्पीड वगैरह सब कुछ पता चल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से इज अ वेरी इजी फीचर। सामने आपके रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लाइक यहाँ पे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है तो रोड में खड्डे हो जाते हैं, बट उसके ऊपर कार ने बहुत इजीली उसको हैंडल किया है। दैट इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फैमिली कार लाइक दिस। मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक अ रोल्स रॉयस कि आपको पता ही नहीं चलेगा खड्डा आपके नीचे आया है, बट फॉर एनी फैमिली कार, इनफैक्ट कंपेयरिंग टू अदर फैमिली कार्स एज वेल, अगर मैं जैसे कार्स सच एज ग्रैंड आइटम से कंपेयर करूँ, आई फील दिस कार इज़ मोर कंफर्टेबल इन माय पर्सनल ओपिनियन। अगर मैं एक्सेलरेशन की अब बात करूँ तो आई एम करंटली मैं 40 की स्पीड चला रहा हूं एंड आई एम इन थर्ड गियर, बट मान लीजिए मेरे को एकदम से किसी को ओवरटेक करना पड़ जाए, ड्रॉप डाउन टू सेकंड गियर एंड एकदम से अगर मैं गाड़ी को भगाऊं, पिकअप इज वेरी वेरी गुड। ये चीज तो मेरे को इनफैक्ट पिछली बलिनो की भी बहुत अच्छी लगी थी, पिकअप उसकी भी गाड़ी की बहुत अच्छी थी एंड इस बार तो पावर बढ़ा दी गई है। पिछली बार हमें 81 किलोवाट पावर मिलती थी, इस बार 86 है, सो पावर इंक्रीज कर दी गई है एंड दैट आई थिंक प्लेज इन द फेवर फॉर द कार। इवन फॉर अ यंगस्टर, अगर समवन इज लुकिंग फॉर दिस कार जो कि फन टू ड्राइव कार ढूंढना चाहते हैं जो कि प्रैक्टिकल भी है, आई थिंक बलिनो इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। स्पेशली इस बार जब हमें इतने सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं इस कार के अंदर, इस बार सेफ्टी पर भी ध्यान दिया गया है इस कार की। मारुति से पहले लोगों को बहुत एक कंप्लेंट होती थी कि गाड़ी सेफ नहीं बनाते, बट दिस टाइम अराउंड सेफ्टी फीचर्स भी अच्छे दिए गए हैं। टॉप एंड वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, गाड़ी का वेट ओवरऑल इंक्रीज कर दिया गया है, जिसके अंदर शेल के अंदर आपको 55 kg का इंक्रीज मिला है विच इज़ वेरी गुड। तो सेफ्टी वाइज भी दिस कार इज़ वेरी गुड। इन एनकैप रेटिंग ऑफिशियल तो अभी तक नहीं आई है, बट जैसे ही आती है आई थिंक दिस कार शुड परफॉर्म बेटर देन द प्रीवियस बलिनो। अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूँ तो सीट मटेरियल भी इस कार का फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, बट दे आर वेरी सॉफ्ट, तो कंफर्ट वाइज कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बलस्ट्रिंग भी मेरे आसपास काफ़ी है, तो अगर मान लीजिए मैं गाड़ी को थोड़ा इधर उधर भी करके चलाता हूँ तो आई डोंट थिंक मैं गाड़ी के अंदर इधर उधर कोई वॉबल होने वाला हूँ। आई स्टे इन माई पोजिशन एंड आई कैन ड्राइव वेरी वेरी वेल। एवरेज की अगर हम बात करें तो मारुति कार्स आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एवरेज। इस बार पिछली बलिनो से इनफैक्ट बढ़ा भी दी गई है एवरेज। कंपनी क्लेम इज अराउंड 22.9 फॉर ऑटोमेटिक एंड 22.3 फॉर मैनुअल, तो अगर हम उसको सिटी में भी कन्वर्ट करें तो आई थिंक आपको 17-18 की एवरेज तो ये गाड़ी सिटी में भी बहुत आराम से दे देगी। एक चीज़ की अगर मैं बात करूँ, जैसे क्रूजिंग स्पीड की अगर हम बात करें इस कार के अंदर, ऐसा मतलब अभी वैसे मैंने चलाई तो गाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-15 मिनट ही गाड़ी चलाई है, बट उसके अंदर भी मैं बता सकता हूँ एक ना कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिसके अंदर आपको लगता है कि आप थकने वाले हैं, बट आई डोंट थिंक बलिनो के अंदर आपको वैसा कुछ आने वाला है, क्योंकि क्रूजिंग स्पीड इस कार की इज़ प्रीटी गुड।
गुड. क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, तो आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. अगर आप मान लीजिए हाईवे पे चला रहे हैं तो आप आराम से क्रूज लिमिट सेट कर दीजिए, गाड़ी ऑटोमेटिकली उस स्पीड पे चलती रहेगी, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है. इंजन रिफाइनमेंट की भी अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं इस कार को पूरा पुश करता हूँ, आई मीन फर्स्ट गियर एंड 5000 RPM सेकंड गियर पे अगर मैं शिफ्ट करूँ, तो इंजन नॉइस थोड़ी आती है कार के अंदर, बट आई थिंक वो इतनी आनी जरूरी भी है, क्योंकि एक तरह से आपको थोड़ी फील आती है कि हाँ गाड़ी यू आर पुशिंग द कार. वैसे एज सच कोई ऐसी आवाज़ नहीं है कि आपको लगे कि परेशान करने वाली आवाज़ है या कुछ. वेरी वेल रिफाइंड कार. रोड नॉइस की भी अगर मैं बात करूँ, गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा सीपिन नहीं करती अकॉर्डिंग टू ऑल अदर कार्स ऑफ इट्स सेगमेंट. जैसे कि अगर मैं ग्रैंड आई 10 की बात करूँ, अगर मैं टाटा पंच की बात करूँ, उन कार्स के कंपैरिजन में भी आई थिंक इट्स वेरी वेल लेवल्ड. उन कार्स में भी आपको इतनी इंसुलेशन मिलती है जितनी आपको बलिनो में मिलती है. सो नॉट अ बिग डिफरेंस ओवर देयर एज वेल. बट ओवरऑल मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो इस कार के साथ रहा है, मुझे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई है. अगर मैं इफ आई एम कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद यू, जब मैं फर्स्ट टाइम बलिनो का रिव्यू करने आ रहा था, एट दैट टाइम मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी. बट जब मैंने ये कार फर्स्ट टाइम देखी, जब मैं इसके अंदर बैठा एंड अब जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, माई एक्सपेक्टेशन फॉर दिस कार हैव कम्प्लीटली चेंज. मुझे जितनी ये कार पसंद आई है, मुझे ऑनेस्टली नहीं लगा था कि ये पसंद आएगी. बट मारुति हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब विद दिस कार. मेरे हिसाब से इफ यू आर इन द मार्केट फॉर अ कार जो कि यू नो 10-11 lakh के बजट में, अगर आपको टॉप एंड देखना है या फिर शुरुआत इस कार की 7 lakh से भी हो जाती है, सो इफ यू आर इन द मार्केट फॉर सच अ कार, एक हैचबैक, आप प्रीमियम हैचबैक ढूंढ रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली लुक इनटू द बलिनो. सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाइज भी नहीं, बट फीचर्स वाइज, प्रैक्टिकलिटी वाइज, सब कुछ मेरे को इस कार का बहुत अच्छा लगा. एंड इनफैक्ट अगर आपको इस कार का कंप्लीट रिव्यू देखना है जिसके अंदर मैंने कार के सारे फीचर्स एंड वॉक अराउंड भी किया है, तो वो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो मैंने चैनल पे पहले से ही कर रखा है. इस कार के अंदर जो हमें 360 पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, वो भी आपको ड्राइविंग वाइज बहुत हेल्प करते हैं. रीजन बीइंग, जब आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं या फिर कहीं पे रिवर्स कर रहे हैं, तो दीज फीचर्स आर वेरी यूजफुल. एंड सिर्फ यही नहीं, इस कार का जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि अडैप्टिव गाइडलाइंस अलॉन्ग विद पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का फीचर, वाइड एंगल कैमरा. एंड सिर्फ यही नहीं, आपको इस कार के अंदर कर्ब डिटेक्शन भी मिलते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो आपको साइड है वो इस टाइम पे कार के साइड में जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाती है. ये इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा तब होता है, मान लीजिए जब आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं, ताकि आप जो अपने व्हील्स हैं वो आप साइड की वॉल से ना मारें एंड उनको कोई डैमेज ना हो. तो ये छोटे छोटे फीचर्स भी जो इस कार के अंदर दे रखे हैं, दैट इज़ वेरी यूजफुल एंड अ ग्रेट सेफ्टी फीचर फॉर द कार. एंड सो ये था 2022 मारुति सुजुकी बलिनो का एक टेस्ट ड्राइव रिव्यू. वंस अगेन, अगर आपको एक डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक दैट आउट, ताकि आपको इस कार का एक डिटेल्ड रिव्यू मिल जाए. बट यही था मेरी तरफ से इस वीडियो के अंदर. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए. अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पार्ट अबाउट दिस कार, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बिकॉज इट गिव्स मी सो मच मोटिवेशन टू क्रिएट कॉन्टेंट फॉर यू गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में.